हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक वर्मा आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर हाजिर होते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूँ नर्सरी से लाए हुए प्लांट को कैसे पॉट करें। ये मेरा नर्सरी से लाया हुआ प्लांट है और इसके लिए मैंने सॉइल तैयार कर ली है। ये है मेरी सॉइल, ये है ब्लैक कॉटन सॉइल जिसे अपन काली मिट्टी भी कहते हैं। इसमें मैंने 60% सॉइल, 30% सैंड एंड 20% कंपोस्ट का यूज़ करा है, गोबर कंपोस्ट का। कंपोस्ट यूज़ करने से पहले देख लीजिए कि वो थोड़ी भुरभुरी हो गई हो या नहीं। कम से कम 6 से 8 महीने पुरानी कंपोस्ट का ही यूज़ करें। अगर आप पुरानी यूज़ नहीं करते हैं तो आपके पौधे जलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और हाँ, एक बात और, सॉइल है आप तैयार करने से पहले एक चीज़ चेक कर लीजिए कि उसकी पोरोसिटी बहुत अच्छी है। पोरोसिटी का मतलब होता है कि उसमें जो पानी है वो आराम से बह जाना चाहिए, गमले में रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए जो गमला रहता है उसमें एक, अगर आपके गमले में होल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो किसी टूल्स की सहायता से आप उसके अंदर होल कर लीजिए। देन उसके बाद कोई भी, या तो कोई पत्थर या गोल आकार की कोई ऐसी चीज़ जो इस छेद को ढक सके, पर नीचे से इसमें गैपिंग रहे कि पानी आराम से रिस जाए, इस टाइप से आप इस पे रख दीजिए। ये पीछे नीचे से आप देख रहे हैं इसमें गैपिंग है, इससे पानी आराम से निकल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम इस सॉइल को पॉट में भरेंगे। ये मेरा 10 इंची का पॉट है, इसमें मैंने 5 इंची सॉइल भर चुका हूँ। आप भी इसे इतना भर लीजिए। उसके बाद जो आपका प्लांट का पॉलीथीन पैग है उसे आप कट कर लीजिए, या आप किसी भी कैंची या रेजर की सहायता से कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी पॉलीथीन को हटा दिया है। इसके बाद आप इसकी मिट्टी थोड़ी थोड़ी फोड़ दीजिए, जिसके कारण इसकी जो जड़ें हैं वो आराम से निकल पाए और ये नई सॉइल में मिक्स हो पाए। ये बंदे रहने के कारण ये थोड़ा क्या कॉम्पैक्ट हो चुका है, जिसके कारण इसकी जड़ें निकलने में बहुत परेशानी आई है। इसी के लिए मैं आपको बताता था कि सॉइल की पोरोसिटी बहुत अच्छी हो। अगर आप पोरोसिटी सॉइल की बहुत अच्छी रहेगी तो जो उसकी जड़ें रहेगी वो बहुत आराम से चलेगी और उसे जो न्यूट्रिएंट चाहिए बहुत आराम से मिलेगा। अगर ये जड़ों पे मिट्टी बिल्कुल चिपक जाती है तो फंगस लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। देखिए, मैंने इसके रूट निकाल दिए हैं थोड़े थोड़े, जो इसके आसपास की सॉइल भी भर चुकी है, जिससे इसके रूट पर दिखने लगे हैं जो दूसरी सॉइल में आराम से सरवाइव कर पाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसमें आइट साइड से पूरी तरीके से सॉइल भर दें और इसे कॉम्पैक्ट ना करें गलती से भी, और अपना गमला कम से कम 1 इंची खाली रहना चाहिए। इससे क्या रहता है, जो अपन पानी डालते हैं वो आसानी से पेड़ में जा पाता है, जो इधर उधर से लीक नहीं होता है। और अच्छी पोरोसिटी के कारण जो इसमें जो हम पानी डालेंगे वो आराम से जो गुलाब रहता है उसकी जड़ों को मिलते हुए नीचे से एग्जिट हो जाएगा, जिससे इसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। एक बात और, जिस जगह से रोज़ का जो ग्राफ्टेड एरिया है उससे हमेशा इसकी सॉइल थोड़ी नीचे ही रहे, कभी भी इसको ग्राफ्टेड एरिया तक ना भरें, ठीक है। इससे आपको जो भी जंगली, जो इसमें जंगली अगर बर्ड्स आ जाते हैं तो आपको उससे बहुत दिक्कत होगी, आपका रोज़ प्लांट ख़राब हो सकता है। इसमें आपके पास फ्लावरिंग नहीं होगी, तो इसका बहुत अच्छा खासा ध्यान रखें। कई लोग क्या रहता है कि आपको ये नहीं बताते हैं, आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो आपको ये नहीं बताते कि इसमें जो ये ग्राफ्टेड रोज़ है, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि इसे नीचे से बर्ड आ रहा है या कुछ भी रूट आ रहा है नया, तो हम उसे बढ़ने देते कि हाँ इसमें रोज़ आएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये एक हाइब्रिड करा हुआ प्लांट है जिससे देसी जो कलम रहती है उस पर इंग्लिश को ग्राफ्ट करा है, इसकी आग निकाल के इसके आग की जगह पे लगाई गई है। अब जो भी यहाँ से रूट निकलेगा वही इंग्लिश रोज़ बन पाएगा, और अगर इसके नीचे से कोई भी रूट निकलती है वो जंगली रहती है, वो इस प्लांट को ख़त्म कर देगी, बस वो बढ़ती रहेगी, उसमें कोई रोज़ नहीं आएगा।
मेरे साथ ये एक बार हो चुका है, सो प्लीज़ आप इसी गलती ना करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे अभी तक सिर्फ 15 लाइक मिले हैं, सो प्लीज़ ये मेरा सेकेंड वीडियो है, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसमें हल्की हल्की वोटिंग भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा वोटिंग ना करें प्लीज़। ये देखिए, अब जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं तो ये आराम से सॉइल में चले जा रहा है। देखिए देखो, इसकी अच्छी पोरोसिटी होने के कारण ये पानी आराम से पी के इसको जो जड़ों को जितना पानी की रिक्वायरमेंट है वो ले लेगा। उसके बाद जो भी जो जिस पर जितने पानी की ज़रूरत नहीं है वो गमले के नीचे से एग्जिट हो जाएगा। यही पोरोसिटी का बेनिफिट है, और पोरोसिटी अच्छी होने से इसकी जो जड़ें हैं बहुत अच्छी चलेगी। और गमले में इतना पानी ना डालें कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाए और जो ओवरफ्लो हो, ठीक है। इसमें इतना ही पानी डालें जिससे इसकी नमी बने रहे, और टाइम टू टाइम इसमें वाटरिंग करें। और अभी तो वैसे विंटर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको धूप में भी रख सकते हैं ज़्यादा देर, आपको कोई नुकसान नहीं होगा आपके प्लांट को। सो प्लीज़ आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे पास और भी प्लांट हैं, मैं जैसे ही आप अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट अपलोड करूंगा, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो आप मुझे देख पाएंगे प्लीज़। सो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई भी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक यू, गुड बाय।